हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली सुबह के टाइम हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए फार्मर रिलेटेड जॉब अपडेट या फिर कोई वैकेंसी अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तो आज भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं न्यू जॉब वैकेंसी। बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को कंप्लीट बी फार्मा, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर, सारी चीजों की प्रिपरेशन कराता है अपनी बीएसपी फार्मेसी के एप्लीकेशन पर। और अब आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, खाली बीएसपी फार्मेसी सर्च करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हमारी BIRAC की तरफ से हमारा बेसिकली दो जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। और पे स्केल की बात करूं तो 75,000 पर मंथ और लगभग 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी यहां पर होने वाली है। क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है देखिए कैसे आपको देखे, सीधा आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको ये कुछ नोटिस ऊपर रन होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप जैसे ही पहले वाले नोटिस पर क्लिक करेंगे, मैंने ये पीडीएफ यहाँ पर देखिए, आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेना है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहला अगर जो आपका फोकस जाना चाहिए तो वो किस चीज पर जाना चाहिए, देखिए 75,000 पर मंथ का पे स्केल होने वाला है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोलते हैं कि बी फार्मा करके कुछ भी फायदा नहीं है, बट भैया 75,000 की सैलरी भी मिल रही है ना। नंबर ऑफ पोजीशन 1 होने वाली है, खाली एक पोस्ट है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 4 ईयर बैचलर इन फार्मेसी मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ये आपका या तो बैचलर इन फार्मेसी यानी कि क्या है, तो आपके बैचलर कंप्लीट होनी चाहिए यानी कि बी फार्मा कंप्लीट होनी चाहिए, फिर एम फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी। सेकेंड थिंग अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर जो आगे बात करते हैं तो एक्सपीरियंस के बारे में देखा जाए तो आपका कितना है, 3 से 10 साल के बीच का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 45 साल है। यानी कि आप 45 साल के से कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस आपको 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके क्या है, बी फार्मा या फिर एम फार्मा कंप्लीट होनी चाहिए। 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाली है, एक पोस्ट यहाँ पर है खाली। अभी दूसरी जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, वापस से आ जाते हैं इसी वेबसाइट पर। ये पहले वाला नोटिस पर मैंने क्लिक किया था, अब आप जैसे ही सेकेंड नंबर वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से व्यू पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर जो मैं बात करता हूँ आप लोगों से पे स्केल के बारे में, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोजीशन 1 होने वाली है। और पे स्केल की बात की जाए तो 1,25,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। क्वालिफिकेशन वही है, 4 ईयर बैचलर या फिर मास्टर आपके कंप्लीट होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, अगर जब हम लोग एक्सपीरियंस की बात करें तो 11 से 19 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो वेल एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बेसिकली जो वैकेंसी होने वाली है। और 5 ईयर मिनिमम आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। अगर जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होने वाली है, 50 ईयर, यानी कि 50 साल के से अगर जो आपकी कम एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है कि पे स्केल की बात करें जाए तो बहुत ज्यादा है अगर जो नॉर्मली देखा जाए, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या है, 11 से 19 साल का मांगा गया, उधर 3 से 10 साल का मांगा गया है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पोजिशन 1 ही, अगर जो आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से फार्मा जॉब वैकेंसी और अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना हेल्पफुल लग रहा है। ओके, टिल देन मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।